चंदन सिंह के सुपुत्र हैं। आपका जन्म 1 दिसंबर 1954 को उत्तर प्रदेश के मथुरा के छड़गांव में हुआ। आपने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोवर्धन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें आप पूर्ण बहुमत से विजयी हुए। वर्तमान में विधायक के रूप में आपने हमारे इस क्षेत्र में अनेक जन कल्याण किए, जैसे लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था, स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालयों का निर्माण, सड़क जैसे ऐसे गांव जो शहर से भी दूर और जिधर पर भी धार भी नहीं किसी का जाता था या जाता है, ऐसे गांव में एक ऐसा विद्यालय यहाँ खड़ा किया, उस विद्यालय में जो सबसे पिछड़ा गरीब तबका का छात्र होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए आपने ये विद्यालय को यहाँ स्थापित किया, मैं आपको बहुत 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 इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे पंडित दीनदयाल जी भी कहा करते थे, आखिर सबसे नीचा दबा हुआ पिछड़ा आदमी है उसको उत्थान किया जाए तो सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य होता है, और आपके द्वारा इस गरीब क्षेत्र में गरीब छात्रों को शिक्षा दी जा रही है अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। विद्यालय आदमी दो चीज के लिए खुला करता है, या धन अर्जन के लिए या जनता में जो पिछड़े लोग हैं गरीब लोग हैं उनको एक अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, और आप लोगों द्वारा मिश्री द्वारा जिस ग्रामीण अंचल में इस अनूप नगर में जो शिक्षा दी जा रही है, मैं देख रहा था बच्चों का अभी कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम बच्चों द्वारा किया गया। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय स्वामी जी अलोरक सुजा जी, आदरणीय फादर, आदरणीय प्रधानाचार्य जी और संस्था से जुड़े हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, मेरे साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र राणा जी, सतुआ मंडल के अध्यक्ष भाई यशपाल सिंह जी, पास में पड़ोसी गांव को क्षेत्र गांव के ही एरिया पड़ता हुआ हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भाई चंद्रपाल जी और उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, आज मुझे यहाँ आकर, वैसे मेरी विधानसभा चल रही है, पिछली बार भी फादर ने मेरे से आदेश किया था कि आपको रहना है, लेकिन पिछली बार ऐसा ही था, आज भी मुझे विधानसभा में रहना था, लेकिन कल हमारे आदरणीय फादर जी वहां घर पहुंचे, पर आपको कल रहना ही है, तो मैंने निश्चय से किया कि कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बीच में जरूर आऊंगा। और आज मेरे यहां आकर देखा कि आपके द्वारा कितने सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे थे, इन बच्चों को विभिन्न प्रकार के शिक्षा देने से काम नहीं चलता है, उसमें अच्छे आचरण हम कैसे दें, उनकी प्रतिभा को कैसे हम जागृत करें। प्रतिभा कई तरह से आगे आती है, पढ़ के कोई अधिकारी बन के, अच्छा खिलाड़ी बन के, अच्छा कवि बन के, कोई कोई कार्य ऐसा उनकी प्रतिभा जागृत होती है अपने किसी क्षेत्र में हो,
कठुआ बने उस क्षेत्र में आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे इस क्षेत्र के मुझे जैसे आपको भी बताया बच्चों ने कि कई गांवों के आसपास के 10-12 गांवों के छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। हर छात्र अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, उसमें अच्छे आचरण आए, तो वो इसी उम्मीद के साथ यहाँ इस विद्यालय में आ रहा है। इसके लिए भी मैं बहुत आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और भगवान के रूप में जब भी कभी आदेश हुआ है उनका भी रहता है कि हमें जन कल्याण के लिए विश्व कल्याण के लिए कोर में कार्य करना चाहिए। वो काम आपके द्वारा किया जा रहा है। ये क्षेत्र भी आपके साथ में जुड़ा हुआ है। जब से आपने यहाँ मेरे खाते 27वीं वर्षगांठ आज इस विद्यालय की मनाई जा रही है, मुझे बताया गया कि पेड़ के नीचे यहाँ के एक शिक्षा के यहाँ ये कार्यक्रम शुरू किया गया और आज धीरे 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 बढ़ते बढ़ते बहुत मसाल रूप लेता जा रहा है। मैं चाहूँगा इसके साथ साथ में हमारे स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी बहुत क्षेत्र को देखते हैं, कई राज्यों का यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं कि यहाँ शिक्षा के साथ में अगर स्वास्थ्य के लिए भी कोई आप यहाँ व्यवस्था कर रहे थे गरीब अंचल में कुछ लोगों को उससे कुछ लाभ यहाँ जरूर ग्रामीणों को मिलेगा। उसके लिए भी मैं और मेरी मेरी क्षेत्र की सभी जनता आपके साथ है, हमेशा आपका साथ देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इस विद्यालय से ऐसे छात्र निकल के आए, इस विद्यालय का ही नहीं, इस गांव का ही नहीं, इस क्षेत्र का नहीं, इस जनपद का नहीं, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करे, अपना ऐसा स्थान प्राप्त करे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और मैं आके जो भी शिक्षक बंधु है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो भी बाहर से आके ग्रामीण अंचल में आके एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और मैं एक निवेदन और भी है, मैं फादर जी से कह रहा था कि आज के समय में बच्चों में अच्छे संस्कार हम कैसे थे, किसी परिवार को चलाने के लिए हम पढ़ा लेते हैं लिखा देते हैं बच्चे को, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं, विघटन पैदा हो जाता है, परिवार बिखर जाते हैं, कोई भी माँ बाप के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है, भाई बहन के साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। और हमारा ये पहचान रही है कि परिवार को साथ लेके कहीं बढ़ा जाता है तभी हमारा क्षेत्र का या घर का कल्याण होता है। ऐसी शिक्षा आपके द्वारा दी जाए, अच्छे संस्कार आपके द्वारा दिए जाए कि परिवार जो बढ़ रहे हैं और परिवार अपने आप में एक शांति ग्रुप जब ये व्यतीत करें, शादी हो जाती है। हमारे संस्कृत रही है जिसके साथ लड़की शादी कर दी और वो पूरे जीवन उसके साथ आज विभाजन की तरफ पढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा आपके द्वारा इस तरह का इस विद्यालय में एक अनुभव यहाँ उदाहरण दिया जाए और हमारे यहाँ से पढ़ के जाए बच्चे एक अपना आदर्श क्षेत्र पर जाके प्रस्तुत करें। आपके द्वारा बच्चों द्वारा ये बहुत ही अच्छे कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए। और अभी जो हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस पर भी अभी ये नाटक रूप में आपने बच्चों ने ये प्रस्तुत किया, ये भी अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे यहाँ परंपरा रही कि बच्चे को प्राथमिकता दी जाती थी, मैंने भी देखा है अनुभव किया है, और बच्चा हो गया घर में तो बड़ी खुशी मनाई जाती थी और बेटी आ गई तो घर में पूछा जाता था, कोई घर में ऐसे रहता था कि पता नहीं क्या विपदा आ गई है घर पे। लेकिन ये नहीं समझते हैं कहीं किसी परिवार में अगर कोई कष्ट होता है माँ बाप पे तो सब
सबसे पहले अगर कोई भी ध्यान देता है तो बेटी ही ध्यान देती है, बेटी ही ध्यान देती है। और आज बेटियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए जा रहे हैं, जहां उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, वहां भंडारा हुआ था अपने पास में, बहुत पास में ही है, उस गांव से वो अपना अपना स्थान बनाए, उनका उनका जीवन सुखमयी हो, एक विद्यालय भी एक अच्छा उन्नत अपना स्थान प्राप्त करे, ऐसा कहते हुए जय हिंद जय भारत। परी ओ परी, कहाँ है तू? मैं तेरे लिए लड्डू लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? अरे ईश्वरी, तू अभी तक बिस्तर पर पड़ी है? इतनी सुबह हो गई, सूरज सर पर चढ़ाया है, तू अभी तक लेटी है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार हो रहा है। अरे हाँ, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तेरा बदन तो बुखार में जला जा रहा है। परी ओ परी, सुमती दादी नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर ईश्वरी को कितना तेज बुखार है, तुम्हें दादी का ध्यान रखना चाहिए ना। सुमती दादी, मैं इनका ध्यान क्यों रखूं? ये हमेशा ही मेरे खिलाफ रहती है। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें मेरा घर पर होना भी पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, जब ये मुझसे इतनी नफरत करती ही है, तो मैं इनसे प्यार क्यों करूं और क्यों इनका ध्यान रखूं? बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ तेरे मुंह से? ये तेरी दादी है, तू इसका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? ये जैसे भी है, पर क्या तूने कभी कोशिश की इसका दिल जीतने की? तूने भी इसी की तरह नफरत करना सीखा। भगवान ने तुझे एक मौका दिया है, अपना ले अपनी दादी को और खूब सेवा कर, मेवा जरूर मिलेगा। आप ठीक कह रही हैं दादी, मैं अपनी दादी का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं अभी जाकर डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। अरे प्रभु, आप, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई, मेरे तो सारे पाप धुल गए। नहीं ईश्वरी, पाप मेरे दर्शन मात्र से नहीं, अपितु मानव के स्वयं के कर्मों से धुलते हैं। प्रभु, मैं आपका अर्थ नहीं समझी। अर्थ छोड़, तो ये बता, तो है कैसे? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ध्यान रखा है मेरी पोती ने मेरा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा, पर परी ने मेरी पूरी देखभाल की, समय समय पर दवाई खिलाई, यहाँ तक कि खाना भी अपने हाथों से खिलाया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे ही परी मेरा ध्यान रख रही थी। पर तुम तो उससे नफरत करती हो, तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। पर क्या, मैंने तो इस संसार को बहुत ही खूबसूरत मानव संरचना बनाकर दी है, जिसमें संसार का भार उठाने की क्षमता है, जिसमें असहनीय पीड़ा को भी सहने की क्षमता है, और जो हमेशा परिवार के सुख में सुखी और परिवार के दुख में दुखी होती है। पर तुम जैसे लोग मिले, या तो जब से पहले उसका करार रोक दिया या जीवन भर उसको तड़पाया। आखिर कौन हो तुम लोग मेरी इस अमूल्य संरचना पर उंगली उठाने वाले? क्यों है तुम्हें इतनी आपत्ति? क्या ये संसार बिना स्त्री के चल सकता है? इतनी सी बात ना समझ सकी और अपनी नन्ही सी गुड़िया का दिल दुखाती रही। आज से मैं अपनी गुड़िया का हमेशा ध्यान रखूंगी। बबी पापा, आप आइए आइए। दादी दादी,
देखो मम्मी पापा और भैया आ गए। माँ कैसी रही आप लोगों की यात्रा? बहुत अच्छी रही बेटा और बहुत आनंद आया। आपको पता है आपके पीछे दादी की कितनी तबीयत खराब रही? क्या? अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी तो तैयार नहीं हो रही? नहीं दादी। क्यों नहीं जाएगी? दादी पप्पी पापा अभी अभी तो आए हैं, इन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। परी तुझे याद है ना आज तेरी एक्स्ट्रा क्लास है? अरे हाँ। जा जल्दी से तैयार हो जा, देर क्यों कर रही है? अच्छा हुआ दादी आपने मुझे याद दिला दिया, मैं जा रही हूँ मेरी प्यारी दादी। माँ आप चिंता मत करना, शायद मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है बेटा। अरे सुनो सुनो जल्दी इधर आओ, एक बात सुनो। क्या हुआ अम्मा? सब ठीक तो है ना? ठीक कहाँ सब ठीक है, क्या तुम लोगों को याद नहीं कि आज परी का बर्थडे है? याद तो है पर माँ जी आप गुस्सा होती हैं, इसलिए हमने कहा नहीं कुछ। अरे इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अब सुनो जल्दी से परी के आने से पहले घर सजा लो, केक मंगवा लो। अरे वो क्या कह रही थी? हाँ सिंड्रेला वाली ड्रेस, हाँ वो जरूर मंगवा लेना। जी जी अम्मा जी आप आराम से बैठ जाइए, हम सब तैयारी कर लेंगे। आराम? अरे आराम कहाँ है, कितना काम पड़ा है, आखिर मेरी पोती का जन्मदिन है, आसपास के लोगों को भी बुलावा दे देना। अम्मा हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा कह रही हैं। आप तो परी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी ना? यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपने ही अंश को नहीं अपनाया, पर अब ऐसा नहीं हुआ। मेरी परी को वो सब चीजें मैं दिलवाऊंगी जो उसे चाहिए और उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करूंगी। मैं बड़ी नादान थी जो एक लड़की के महत्व को ना समझ सकी, पर अब मेरी समझ में ये बात आ गई है कि घर में कन्या का जन्म होना कितने सौभाग्य की बात है। यदि कन्या नहीं होगी तो आगे का वंश भी नहीं बढ़ेगा, और देखो ना मेरी ही तरह के कितने लोगों की यही सोच है कि लड़की का जन्म अशुभ होता है। ईश्वर के भेजे हुए इस नायाब तोहफे को पहचानने में मुझसे बड़ी गलती हो गई, अब ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अब बातें ही करते रहोगे या फिर तैयारी भी करोगे? और सुनो दिल खोल के खर्चा करना ताकि कोई कमी ना रह जाए। अरे हाँ याद रखना परी को पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता है, जब वो देखेगी तो कितनी खुश होगी। तू भी तो जा रहा है? कहाँ? हम दोनों परी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और यह संदेशा सबको पहुंचाना है। क्या कहा तूने? परी की बर्थडे पार्टी? मैं ठीक तो सुन रहा हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सुन रहा है तू, दादी ने परी को अपना लिया है। आज कितनी खुशी वाला दिन है, अभी तो परी को भी नहीं पता है कि उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। यार जब उसे पता चलेगा तो कितनी खुश होगी। चल देखते हैं। हैप्पी बर्थडे परी। बर्थडे पार्टी? मेरी बर्थडे पार्टी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बेटा ये सारी तैयारी तेरी दादी माँ ने की है। सच? ओ दादी आप दुनिया की सबसे प्यारी दादी हो। तू भी तो दुनिया की सबसे प्यारी पोती है। अब बात नहीं ये ले तेरा तोहफा। दादी थैंक यू। क्या मैं खोल कर देखूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ सिंड्रेला वाली ड्रेस, दादी आपने तो मेरी इच्छा पूरी कर दी, आप बहुत अच्छी हो, मैं अभी पहन कर आई। दादी गुड न्यूज। वो क्या होता है? अरे दादी मतलब अच्छी खबर। अच्छी खबर? जल्दी बताओ क्या है? ईश्वरी दादी ने परी को अपना लिया है और वो आज परी का जन्मदिन मनाने जा रही है। आपको भी पार्टी में आना है।
और केक कटने के समय तक जरूर पहुंच जाना दादी। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर। इस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज तो तुम दोनों ने बहुत बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। हैप्पी बर्थडे परी। अरे अट्टू बट्टू भी, थैंक यू। परी, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। समझी दादी, थैंक यू। अरे परी, चल बेटा जल्दी आ, अब केक काटने का समय हो गया है। सब आओ, चलो मिलकर परी के साथ केक काटें। खुश रहो बेटा।
अभी हमारे सामने आ रहे हैं उसकुल को या अपने मदर सर लेकर जिसके बोल है कंट्रोल ब्लेसिंग। Karnataka did his priestly studies from Lucknow and Allahabad. He was ordained as a priest on 8 December 1974. As a priest, he rendered his services in various capacities. He was made as the Archbishop of Agra on 11th August 2007. Your Grace, you are a man of prayer and live deep spiritual life. Your spiritual life is seen through your love and charity that you do to this society. You are a man of vibrant personality. It is said, action speaks louder than words. This suits very much to your life. We really appreciate your efforts of eradicating poverty by providing best education through your institutions. We feel proud to be in your presence this evening on this auspicious day. It's our pleasure to have you with us. We welcome you amidst us. Dear Archbishop, we request you to bless us with your inspiring words. उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि अदर मैथ्यू चुनरिल, सेबास्टियन पंतलारी, उनके मैनेजर फादर मैथ्यू शोबी, उपस्थित हमारे
संस्था के प्रधानाध्यापिका सिस्टर, अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, मेरे प्रिय भाई बहनों, अनुपनगर में स्थित यह छोटा सा स्कूल विकास के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी एक साक्षी आज का यह कार्यक्रम है। शुरू से अंत तक मुझे यह लगा कि हमारे बालक बालिकाओं में भले ये ग्रामीण आंचल में पैदा हुए हैं, प्रतिभाओं में, योग्यताओं में योग्यता बराबर होती है। शिक्षा का स्थान यह है कि हर बच्चों का जो क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं, योग्यताएं हैं, उनको बाहर निकाल कर उनको समाज के अंग में आगे बढ़ाना। ग्रामीण आंचल में जन्म लेना कोई किसी कसूर नहीं होती है, क्योंकि पूरा भारत 80% जन ग्रामीण आंचल में ही होते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि आजकल ना केवल अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे नेतागण, बल्कि हर स्तर में ग्रामीण